हो रहा है, उत्तर प्रदेश में देखो क्या हो रहा है, आप महाराष्ट्र में जहां सर्वाधिक केस पिछली बार भी थे इस बार भी है, सबसे ज्यादा मौतें वहीं हो रही हैं, उसके बाद आप अपने स्टेट से निकल करके दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने छुपा नहीं स्टेट के विषय रहे में हैं, कमेंट नहीं करना चाहते हम हैं, छुपा ये नहीं अपने रहे आप हैं, में क्या छुपा आप नहीं रहे छुपा हैं, रहे हो, क्या छुपा नहीं, इसलिए क्या हमारा छुपा नहीं रहे आई हैं विल सर? कंटिन्यू। सुनिए, मैं बीच में बिल्कुल देखिए, आप तो बहस करते हैं, बीच में नहीं, देखिए 40% आपका है पॉजिटिव रेट, मतलब बाकी 8% उत्तर प्रदेश का है, कितना छुपा ले रही है आपको क्या लगता है? 40%, 35% छुपा ले रही है उत्तर प्रदेश? गलत बात, नंबर एक। नंबर दो, आपने कहा इस बार कोरोना अदृश्य है, अरे कोरोना पिछली बार कौन सा यहां ड्रेस पहन झूठा के घूम बोलते रहा हो आप, था? माहिर हो पिछली उसके, सब बार भी लोग कोरोना अदृश्य है? नहीं, आपने कहा, आपने अभी कहा कि इस बार कोरोना अदृश्य है इसलिए महाराष्ट्र का हाल खराब हो गया, अरे पिछली बार कौन सा कोरोना ड्रेस पहन के घूम रहा था जो हम देख नहीं, रहे फिर थे? पिछली बार भी दोबारा आयो, अदृश्य ही था, ये अरे वाक्य वायरस बदलने है की दिखता स्टाइल नहीं देखो, है। ये वाक्य बदलने की स्टाइल देखो। नहीं, आप ही ने कहा मैंने अदृश्य, अरे क्या आपका कहा, मैंने एग्जैक्ट फिर शब्द दोबारा था कहता हूं, इस बार सभी कोरोना जी ये अदृश्य घुमाने है। में नहीं, मास्टर हो आपने तुम लोग, दोबारा क्या, तिबारा भी बहुत कह लीजिए, मास्टर हो तुम आपने लोग। कहा इस बार मैंने ये कोरोना नहीं कहा, अदृश्य है, मैंने ये नहीं अरे कहा, कोरोना हमेशा से मैंने कहा अदृश्य कि था, इस बार अदृश्य क्या है अदृश्य है? म्यूटेशन की पिछली वजह बार क्या से, घूम रहा था बस में जो उसका हम देख लेते थे? इस नहीं, बार नहीं म्यूटेशन सुनिए सुनिए, ज्यादा है, आपने आपने मैंने गलत कहा कहा, एक तो आपने अदृश्य कहा है, नहीं, म्यूटेशन म्यूटेशन को ज्यादा अदृश्य है, कहा और म्यूटेशन की वजह तो से म्यूटेशन ज्यादा म्यूटेशन लोग क्या महाराष्ट्र संक्रमित में ही है? हुए ये हैं, म्यूटेशन परिवार हम म्यूटेशन रहते थे, उत्तर प्रदेश में परिवार नहीं में है, एक आध ये आदमी आता म्यूटेशन था, अब गुजरात पूरा में नहीं परिवार है, के परिवार आता है। ये म्यूटेशन के लिए आप उद्धव जी को बचा लेंगे और म्यूटेशन पर मोदी जी को अटैक करेंगे, ये मोदी जी ने म्यूटेशन बनाया है। आपने तो कहा वही कि तो मैं बोला, म्यूटेशन आंकड़े बताओ है गुजरात तो के, उद्धव नहीं जी तो अच्छा काम कर रहे गुजरात हैं के मगर आंकड़े बताओ म्यूटेशन है, ना, मगर अरे म्यूटेशन सात पर करोड़ आप जनता मोदी जी पे का, अटैक 13 करेंगे साढ़े तीन और 13 म्यूटेशन है 13 करके आप करोड़ उद्धव जी जनता को बचा का लेंगे, आंकड़े ये सेम कैसे ऐसे हो हो सकता क्या, है? चित भी कमाल मेरी करते हो आप पट भी लोग, मेरी। महाराष्ट्र में वसूली में व्यस्त थे आप लोग, अरविंद जी ये आपके महाराष्ट्र में पास सौ स्टाइल है, करोड़ क्योंकि रुपए हफ्ता वहां वसूली दिल्ली में में बैठ व्यस्त के थे आप आप अपना लोग समर्थन और करते हो, इसी वही कारण से बात आप लोगों ने आपका तैयारी आपकी नहीं पार्टी की। यहाँ के उल्टा बात करती है। नहीं अरविंद जी, मैं आपको बता रहा हूं, आप तो अच्छे आदमी हैं, चलो सौ अंतिम करोड़ सांग रुपए दीजिए जो तो बोलो, वसूली चल रहा था महाराष्ट्र में इतना करो, उसमें एंड सारे गिविंग लोग नंबर, व्यस्त जितने थे, मिनट बैठाओ। इसलिए ओके, यही अरविंद सौ सावंत करोड़ वांट्स टू रुपए लीव द अगर डिबेट, स्वास्थ्य 15 सिस्टम मिनट में बैठ लग जाओ, आधा जाता घंटा तो बैठ आप जाओ। सोचिए कितना बड़ा होता। अरविंद 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 जी, अरविंद अरविंद जी, जी, लास्ट लास्ट टाइम टाइम जब जब कोई, कोई अरविंद आप साहब पब्लिक देखिए डिबेट से रिप्रेजेंटेटिव आप हैं, उठ के क्या जा हो रहे हैं, जाएगा ये एग्जाम आपकी का मर्जी बैठ है। जाएंगे तो? लेकिन अरविंद जी, अरविंद जी, लास्ट मैं टाइम राजधर्म जब का कोविड मजाक हुआ मेरे तो सामने सौ लोग करोड़ बैठे का हो, अकाउंट मजाक हुआ, करता हूं उसके मैं, मत जाइए। मेरा ये काम रहा? नहीं, अरविंद सावंत, अरविंद सावंत, अरविंद जी, नहीं अरविंद नहीं जी, आपसे मेरा महत्वपूर्ण सवाल है। लास्ट टाइम अरे जब अरविंद कोविड जी, सौ हुआ करोड़ तो का सौ ड्रेस करोड़ वसूल का नहीं मामला रुके सामने जा रहे आया, हैं, ये अच्छी आया बात नहीं नहीं है आया? 100 करोड़ का मामला सामने आया, क्या, गवर्नेंस कहाँ थी वहां पर? अरविंद जी, किसका जब लास्ट किसका टाइम कोविड मामला, हुआ तो आरोप ये लगा कि आपके गृह मंत्री 100 करोड़ की वसूली की बात कर रहे थे, ये आउटगोइंग पुलिस कमिश्नर ने आरोप लगाया जिसमें सीबीआई जांच हो रही है इस समय। ये आपका राजधर्म है क्या, नहीं, मेरा राजधर्म, ये ये आपका सवाल है राजधर्म आपसे, है, ये आपका राजधर्म है, सवाल है। ये आपका मेरे राजधर्म, मेरे सवाल का जवाब दे दो। ये यही तो राजनीति है ना गंदी, यही तो गंदी राजनीति, कि तो लोग मर रहे, तुम्हें पड़ा उसका, वो कर रही ना सीबीआई जांच, सीबीआई जांच कर रही ना, तो काहे के लिए बहस करते हो उस विषय पर, सीबीआई जांच कर रही है, तो यही तो है ना कि जब कोरोना की बात तो मत, वो मत, आप कैप्शन मत देना, आपको शोभा नहीं देता, राजधर्म का पालन है, राजधर्म का पालन क्या आपका सवाल ही, नहीं, सवाल आपको, राजधर्म वो सवाल होता है कि आपको लोग मर खराब रहे लग हैं, रहा है, जो उसके कर मौत रहे थे पे वो बात कर खराब रहे नहीं हैं, लग तो रहा। आपने मैं तो राजनीति सवाल का पूछ सवाल रहा हूं, मेरे उठाया, बोला लास्ट जय टाइम जब हिंद कोविड जय था हिंद, तो कोविड आप मैनेजमेंट के आपकी समय सीबीआई पर है, इनकी आपके सीबीआई है, इनकी आपके ईडी जो है, पूर्व गृह जांच कर मंत्री रहे हैं हैं, उन तुम पर सौ किसने मना करोड़ रुपए के किया, आरोप लग कर गए, रहे हो ना, ये आपका कोविड जांच मैनेजमेंट करने के था, बाद में बात तो करो, सवाल खड़ा होगा लोगों ना, को गुमराह सवाल आपको करना चुप रहा है, ये लेकिन सिर्फ राजनीतिक दलों का काम नहीं, आप आपको उस लोगों की समय वही अपना करते राजधर्म हैं, नहीं दिख रहा, लोगों लेकिन को मेरे गुमराह सवाल में करने का खराबी दिख काम रही है। सचिन जी आपके जैसे सर, लोग भी अगर कर रहे हैं, आप अपने ये तो काम को सबसे बड़े संवारेंगे देश का तो ज्यादा दुर्भाग्य बेहतर है, है, यही मेरे तो को देश का संवारने से। दुर्भाग्य है, वो राजनीतिक दल के लोग हैं, वो छोड़ो आप भी वही काम कर रहे मैं तो हो, सवाल तो पूछ रहा हूं सबसे आपसे, बड़ी मैं तो बात है, उनसे भी सवाल पूछ रहा दुर्भाग्यपूर्ण हूं, बात है, मैं तो सबसे सवाल पूछ रहा हूं, सवाल नहीं पूछ रहे नहीं, आप, आपको मन राजनीति नहीं है कर रहे सवाल हो, का जवाब देने आप का, भी तो ये आपकी राजनीति कर मर्जी रहे है हो, सावन जी, ये राजधर्म का ये पालन का आपकी, ये जो आप आपकी ही वो नापते नेगेटिव हैं, है। आपके लिए वो लागू पड़ता है, नहीं, राजधर्म मेरे का पालन मेरे लिए तो करो, सब कुछ जय लागू हिंद, होता है, लेकिन चलो नेताओं पे कुछ लागू नहीं चलो, होता, बाय बाय बाय, नेताओं पे कुछ लागू नहीं होता, ये आपकी मर्जी है, लेकिन चलो सवाल पूछना मेरा काम है। अगर कोविड केसेस आपके यहाँ बढ़ रहे हैं और लगातार बढ़ रहे थे, जब पूरे देश में भी डाउन थे तो महाराष्ट्र में अब थे, तो सवाल पूछना बनता है और जरूरी भी है। अगर राजस्थान ठीक मैनेजमेंट कर रहा है तो राजस्थान का बताते हैं ना, अगर महाराष्ट्र की स्थिति खराब है तो क्यों नहीं बताया जाएगा? मैं बढ़ता हूं आगे, आचार्य प्रमोद कृष्णम, आप काफी देर से इंतजार करें, आचार्य प्रमोद कृष्णम, प्रभु के गुण गाने में आपको भी आपत्ति है, क्योंकि राहुल जी कह रहे हैं कि केंद्र सरकार की कोविड रणनीति यही है, तुगलकी लॉकडाउन, घंटी बजाओ और प्रभु के गुण गाओ। देखिए अमीश देवगन जी, अभी मैं बहुत देर से सबकी बातें सुन रहा था, इसमें अरविंद सावंत जी भी राजनीति कर रहे हैं, अलका लांबा जी भी राजनीति कर रही हैं, आचार्य प्रमोद कृष्णम भी राजनीति करेंगे, अमीश देवगन भी राजनीति कर रहे हैं,
डॉक्टर संबित पात्रा जी सत्संग करना चाहते हैं, लेकिन चलो अब मैं उनका सत्संग भी सुन रहा था और आगे भी सुनूंगा भगवान की कृपा से। मैं ये कहना चाहता हूं कि लोगों की ज़िंदगी और मौत को राज्यों की सीमाओं में विभाजित नहीं किया जा सकता है। महाराष्ट्र में अगर कोई व्यक्ति मर रहा है वो भी हमारा है, और गुजरात में मर रहा है वो भी हमारा है, उत्तर प्रदेश में जो हालात हैं वो भी, उसको देख के भी दिल दहल रहा है। बड़ी संजीदगी के साथ मैं बात करना चाहता हूँ। अभी संबित पात्रा जी भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता, डॉक्टर साहब बड़े विद्वान प्रवक्ता हैं, वो ये कह रहे थे कि राहुल गांधी ने ऐसा ट्वीट किया, राहुल गांधी ने ये नहीं किया, और ये सवाल उठा। मैं तंज नहीं करना चाहता, मैं सवाल करना चाहता हूँ। उनकी शिकायत ये थी कि राहुल गांधी ने तंज किया है, सवाल नहीं किया। मैं सवाल करना चाहता हूँ। मेरा पहला सवाल ये है कि राहुल गांधी ने अगर ट्वीट कर दिया और अखिलेश यादव ने अगर वैक्सीन ना लगाई तो क्या ये कारण गिनाया जा सकता है कोरोना की जो आज की हालात है? क्या अगर राहुल गांधी सपोर्ट कर देते और अखिलेश यादव वैक्सीन लगा लेते तो क्या ये कोरोना से जो हाहाकार मच रहा है वो खत्म हो गया होता? दूसरा सवाल है कि जिस समय मैं अभी टेलीविजन पे सुन रहा था ICMR के कुछ लोगों को और डॉक्टर्स को, उन्होंने कहा कि सरकार को बता दिया था कि दूसरी लहर जरूर आएगी, तो क्या आम आदमी तो लॉकडाउन जब खुला तो वो अपनी दिनचर्या को पूरा करने के लिए भीड़ में तब्दील हो गया, लेकिन क्या सरकार ने वो व्यवस्थाएं की 6 महीने में? सरकार ने अगर व्यवस्थाएं नहीं की तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? आज लखनऊ में चिताएं जल रही हैं, शव दाह गृह में जगह नहीं है, शमशान पट गए हैं, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? वैक्सीन है नहीं, दवाई है नहीं, इंजेक्शन है नहीं, बेड है नहीं, डॉक्टर भाग रहे हैं, बुरी हालत है। मैं संबित पात्रा जी से ये कहना चाहता हूं कि भगवान के लिए अमित जी मेरी बात को पूरा होने दीजिएगा। देश एक बहुत भयानक संकट के दौर से गुजर रहा है, भारतीय जनता पार्टी के किसी व्यक्ति को अगर कोरोना हो जाएगा मैं खुशी नहीं व्यक्त कर सकता हूं। अगर उनके घर में मातम होगा मैं खुशी नहीं व्यक्त कर सकता हूं। अगर मेरे को कोई कुछ हो जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी जो दिन रात मुझे कोसती है वो भी खुशी व्यक्त करेगी। लेकिन सवाल है देश का, इस जनता को बचाने का, देश की जनता को कैसे बचाया जाए, ये सवाल हमारा है। और ये सवाल का जवाब डॉक्टर संबित पात्रा जी और सरकार को देना पड़ेगा कि 6 महीने में जो ये वक्त मिला इसमें तैयारी क्यों नहीं की गई, बेड क्यों नहीं बढ़ाए गए? वैक्सीनेशन की जो बात आप कर रहे हैं हमने स्वागत किया, मैंने खुद वैक्सीन ली है। आपने दीपक जलाने की बात करी, ठीक है, कुछ लोगों को सहमति नहीं थी, असहमति थी, लेकिन हमने तो दिया भी जलाया, हमने घंटी भी बजाई, हम अब भी बजाएंगे। मगर मेरे सवाल ये हैं कि जिन हालात में देश में लॉकडाउन हुआ और फिर जिन हालातों में लॉकडाउन नहीं हुआ उनके बीच में जो समय मिला उस पर तैयारी क्यों नहीं की गई, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्या सरकार को इसकी जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए? संबित जी मुझे जवाब चाहिए आप। जी ठीक है, संबित से आपने सवाल का जवाब मांगा, संबित क्विकली जवाब दे दीजिएगा। मेरे साथ विश्वास आरंग भी काफी देर से जुड़े हुए हैं और अलका लांबा जी भी हैं, अब अपनी बात को रखिए। संबित क्या आपको लगता है कि आप भी दूसरे राज्य को देख रहे हैं, अपने राज्य को नहीं देख रहे, उत्तर प्रदेश नहीं देख रहे जहां पर कानून मंत्री बृजेश पाठक ने चिट्ठी लिखी? राजधर्म का पालन तो वहां पर भी होता है। मैंने प्रश्न सुना है जी, और मैं विश्वास सारंग भाई से अनुमति लेकर, क्योंकि बहुत समय से वो वेट कर रहे हैं, मैं जल्दी से इन प्रश्नों का उत्तर रखता हूँ। पहली बात तो है, बिल्कुल सही बात है, प्रश्न अगर हमसे नहीं पूछेंगे, सरकार से नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे? मगर देखिए, चित भी मेरी पट भी मेरा ऐसा नहीं हो सकता है। वैक्सीन के लिए आप कहेंगे कि कहीं ना कहीं वैक्सीन में खोट था, हम वैक्सीन नहीं लगाएंगे, और ये केवल तंज के रूप में नहीं कहा गया था, सरकारी नोटिफिकेशन निकाल करके पंजाब और छत्तीसगढ़ ने कोवैक्सीन की एंट्री बंद करा दी थी कि हम कोवैक्सीन लगाना नहीं चाहते। उस समय आपको अनुमान नहीं था कि आपके राज्य में भी सेकेंड वेव आएगा, और जब सेकेंड वेव आया तो आपने कहा कि हमें कोवैक्सीन भी दो, ज़्यादा तादाद में दो। पहले आपने बैन किया, उसके बाद आपने गेट खोला, या आपने किया कि नहीं बताइए। महाराष्ट्र और अनेक राज्यों में कितना